Welcome back to my channel. This is Jaya. So first of all, if you are new to my channel, to do subscribe my channel. Okay? So start करते हैं. This video is all about your doubts because आपके मैंने doubts पढ़े, but मैं each and every doubt का फटाफट से reply नहीं कर पा रही थी. तो मैंने क्या सोचा? मैंने फिर सोचा आप लोगों को एक video ही provide करती हूँ, जिसमें आपके सारे doubts जो हैं, वो clear हो जाएंगे. So one by one, अब मैं यहाँ पे एक-एक स्टूडेंट के डाउट पढ़ूंगी, देन आई विल रिप्लाई ईच एंड एवरी डाउट, ईच एंड एवरी कमेंट. जो भी आपने मेरे को इंस्टा पे भी पूछा है, सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होंगी. अब जो है वीडियोस भी मैं ऐसे ही लेकर आऊंगी, तो आप लोगों को जो भी पूछना है वो आप मतलब आप लोग फटाफट से कमेंट कर सकते हैं. मेरी दो वीडियोज जो अभी मैंने रिसेंटली डाली है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप वहां पर भी जाके देख सकते हैं. और बात जो है एनसीवीएफ के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, तो जैसे ही एनसीवीएफ के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, देन आई विल अपडेट यू, सो डोंट वरी अबाउट that. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट डाउट इज राधिका महोर, कैन वी माइग्रेट इन एनसी वेब? मतलब माइग्रेट कैसे करोगे आप एनसी वेब में? बिकॉज एनसी वेब में फर्स्ट ऑफ ऑल वो ही अलाउड हैं गर्ल्स जो कि दिल्ली एनसीआर में रहते हैं. ठीक है, सो बेसिकली यही चीज़ें हैं जो फर्स्ट मैंने बताई भी थी अपनी लास्ट वीडियो में, कि सबसे पहले जो भी गर्ल्स कहीं और से आ रहे हैं वो लोग नहीं इसमें एडमिशन ले सकते हैं. ठीक है, सो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज जो भी दिल्ली से बिलोंग करते हैं और दिल्ली में ही रहते हैं, उनके पास दिल्ली का रेजिडेंशियल प्रूफ है, वो ही लोग इसमें एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट डाउट इज लाइफ विद काजल. गुड, दी आई हैड आर्ट्स इन 12th एंड स्कोर्ड 93%, सो एम आई एबल टू डू बी कॉम इन एनसी वेब? येस ऑफकोर्स, बिकॉज अगर आपके पास आर्ट्स थी तो इससे कोई मैटर नहीं करता है. वो आपके बेस्ट 5 के सब्जेक्ट्स देखेंगे, जिसमें आप बेस्ट 5 की वो आपकी परसेंटेज देखेंगे. अगर आपके उस कोर्स में जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो उसमें आपके जो मार्क्स हैं वो मैच कर रहे हैं, तो देन यू विल अप्लाई. नेक्स्ट है प्रिया दी, अगर 12th में 60% हो तो एनसी वेब में एडमिशन हो जाएगा. अब 12th में 60% हो, अब वो डिपेंड करता है ऑन योर कोर्स, कि आप कौन से कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो. बिकॉज जिस कोर्स में आप अप्लाई करोगे उसके हिसाब से आपकी जो कट ऑफ है वो आपके मार्क्स से मैच करनी चाहिए. बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि 60% पे अगर आप जनरल हो तो हो पाएगा, क्योंकि बी कॉम में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट बी ए में आपके चांसेस हो सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है खान, एनसी वेब से ग्रेजुएशन करने के साथ क्या जॉब कर सकते हैं या नहीं, एनी एडवाइस? यस, आप लोग जॉब भी कर सकते हैं. यू कैन डू जॉब एज वेल एज यू कैन डू डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज, साथ साथ आप एनसी वेब के कर सकते हो, तो जॉब भी कर सकते हो. बिकॉज एनसी वेब का आपका वीक में एक दिन ही क्लासेस होती है. ठीक है, सो वन वीक में एक बार क्लासेस होती है. अब डिपेंड्स ऑन योर कॉलेज कि आपका सेंटर कौन सा है, टीचिंग सेंटर सैटरडे है या संडे है. ठीक है, इसके बारे में भी मैं भी एक वीडियो प्रोवाइड करूँगी आपको. ठीक है, नेक्स्ट आता है बरखा चौहान, जिन्होंने पूछा है दी एनसी वेब में कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, प्लीज़ टेल मी. अब एनसी वेब में कितनी परसेंटेज होनी चाहिए से आपका क्या मतलब है, मुझे नहीं समझ आया. क्योंकि एनसी वेब में एडमिशन लेने के लिए कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, आप ये डाउट पूछ रहे हो, तो आई थिंक यही डाउट होना चाहिए आपका. क्योंकि एनसी वेब में एडमिशन लेने के लिए डिपेंड ऑन योर कोर्स, कि आप किस में अप्लाई कर रहे हो, बी कॉम या बी ए, और आप कहाँ से डिपेंड करते हो, जनरल या एनी कैटेगरी SC ST OBC, देन उसी के हिसाब से मैं आपको बता पाऊंगी. नेक्स्ट है क्रेजी क्राफ्ट, दी एनसी वेब वाले बच्चों को भी CUT का एग्जाम देना पड़ेगा? अब देखो, सबसे मेन जो ये बात है, CUT का एग्जाम देना पड़ेगा, इसके लिए जब CUT का ड्यू की तरफ से निकला था तब उन्होंने एनसी वेब को वहाँ पे मेंशन किया था, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, क्योंकि मे बी नो, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है. लास्ट ईयर भी CUT नहीं दिया बच्चों ने, तो जो भी होता है वो मेरिट बेस्ड पे होता है. बट अगर आप लोग CUT देना चाहते हो सो यू कैन अप्लाई, आप अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, तो अगर आपका होगा भी तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हो सकते हो एलिजिबल उसके लिए, आप रेगुलर के लिए भी एलिजिबल हो सकते हो. CUT दे दोगे तो वो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आप और उसके लिए रेगुलर में भी एलिजिबल हो जाओगे. नेक्स्ट है भव्या रावल, दी एनसी वेब से एडमिशन लेने के बाद जॉब कर सकते हैं? सेम अभी मैंने बताया कि आप एडमिशन लेने के बाद जॉब बिल्कुल कर सकते हो, बिकॉज इतना कोई आपका पूरा वीक नहीं करना होता आपको, और आप उसी कॉलेज में एडमिशन लेना जिसमें संडे क्लासेस होती है, तो आप एवरी संडे अपना क्लासेस लो एंड मंडे टू सैटरडे अपनी जॉब करो. ठीक है, तो ये वीडियो थी मेरी जो भी रिसेंटली डाली थी, ये उस पर डाउट्स थे. अब नेक्स्ट वाले डाउट्स पे हम आते हैं. जो नेक्स्ट वीडियो थी मेरी,
जिसमें अच्छे खासे व्यूज़ आपने प्रोवाइड कराए हैं, थैंक यू। ठीक है, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है गाइस, सो प्लीज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। आप कमेंट कर दो नीचे। अब आप देखो नेक्स्ट है द क्रिएटिव। ठीक है, क्रिएटिव ने पूछा है एनसी वेब के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए क्या? अगर अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते तो मैं इतनी शांति से नहीं बैठी होती और ना आपके यहाँ पे धीरे धीरे डाउट्स नहीं क्लियर कर रही होती, क्योंकि अभी तो मैं आपको समझा रही होती कि आप हाउ विल यू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। नेक्स्ट है खुशी शर्मा, हमें यूजी के लिए CUCT देना होगा क्या? अब ये CUET तो सुना था मैंने, CUCT। देखो यूजी के लिए देना होगा, यूजी के लिए तो ऑफकोर्स आप दोगे, बट एनसी वेब के लिए अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट मैं इसके लिए भी सर्च करूंगी, देन आई विल प्रोवाइड यू अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट है तनुजा डांगवाल, दी प्लीज टेल इज CUT मैंडेटरी फॉर एनसी वेब? मैंने सबको अभी बोला है कि मे बी नो, क्योंकि जो एनसी वेब के एडमिशन है वो सारे इसी बेस पे होते हैं, मैरिट बेस पे। ठीक है, दी एनसी वेब की रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होती है, फिर उसके बाद एडमिशन फीस कितनी होती है, और वो रजिस्ट्रेशन के कितने दिनों बाद एडमिशन फीस पे करनी होती है? ठीक है, ये बहुत ही अच्छा डाउट है, चंचल ने पूछा है। इसमें क्या बोला है कि एनसी वेब की जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो कितनी होती है? तो जो एनसी वेब की रजिस्ट्रेशन फीस है, मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि अराउंड 3,000 to 4,000 के बिटवीन ही होती है, ज़्यादा नहीं होती। और जो रजिस्ट्रेशन के कितने दिनों बाद हम एडमिशन फीस पे कर सकते हैं, तो रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा और बिना एडमिशन फी पे करे आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होता। सबसे पहले आपको तो फॉर्म फिल करना होता है, देन फॉर्म फिल करने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद, कॉलेज की तरफ से आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव होता है। जब आपका कॉलेज की तरफ से वो फॉर्म अप्रूव हो जाएगा, देन आपको पेमेंट करनी होती है। ओके, नेक्स्ट है हुडा मलिक, दी ड्रॉपर भी एनसी वेब से ले सकते हैं एडमिशन, प्लीज रिप्लाई। तो देखो बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका कमेंट मेरे पास आया था कि हमने इस ईयर में अपना ड्रॉप आउट किया था, तो अभी हम ले सकते हैं नहीं ले सकते। देखो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि प्रॉपर आपका एडमिशन हो जाएगा, बट यू कैन ट्राई, मे बी हो जाए, थिंक पॉजिटिव। ठीक है, तो हो सकता है आपका एडमिशन, ऐसा मत सोचो कि नहीं होगा। नेक्स्ट है प्लीज़ मैम बता दीजिए कब होंगे एडमिशन, और अपडेट ज़रूर करिएगा, मैंने आपके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया, थैंक यू सो मच खान, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उसके लिए दिल से शुक्रिया। बट आई विल अपडेट, जैसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, सेम वही डाउट है नीचे भी, शोभा चौहान का, दी एडमिशन फॉर्म कब निकलेंगे? तो जैसे ही एडमिशन फॉर्म निकलेंगे आई विल अपडेट यू, मैंने जैसे उस टाइम बोला था कि जैसे ही एडमिशन फॉर्म निकलेंगे मैं आपको बता दूंगी, तो उसके रिगार्डिंग ऐसे कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है प्रिया सेठ, दी कुड यू टेल मी दैट इन अवर माता सुंदरी कॉलेज आर देयर एनी PG कोर्स लाइक MA और ऑनर्स इन इंग्लिश? इफ येस, इफ यू हैव द इन्फो अबाउट इट देन टेल मी, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन 2019। तो मैंने भी 2019 में ही अपनी ग्रेजुएशन डन की थी, बट अभी आप पूछ रहे हो कि आपको माता सुंदरी कॉलेज में PG कोर्स है लाइक MA एनसी वेब से जो रिलेटेड है, एनसी वेब पे सबसे पहले तो मेरे को इस चीज़ के बारे में सर्च करना पड़ेगा, देन आई विल टेल यू अ सॉल्यूशन, बिकॉज बिना सर्च किए, विदाउट सर्च मैं आपको कोई भी रिप्लाई नहीं करूँगी, क्योंकि ज़रा सी गलती सब कुछ ख़त्म कर देती है। ठीक है, तो मैं नहीं रिप्लाई करूँगी जब तक मेरे को इसका सॉल्यूशन खुद नहीं मिलेगा। पता नहीं क्या हो रहा है आज। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट मैं आती हूँ आप लोगों के जो कुछ बच्चों के टेलीग्राम पे, अगर जिन्होंने मेरे डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो प्लीज़ लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाइए और टेलीग्राम पे मेरे डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन करिए, जहाँ आपको आपके जैसे बहुत सारे बच्चे भी मिल जाएंगे जो एक ही कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, या जिनके मतलब आपकी खुद भी आपस में जब आप बात करेंगे तो आपकी क्वायरी 80% आप लोग खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं इंस्टा के DMs पे, जो कि इंस्टा पे बच्चों ने मेरे को बोला है, बहुत सारे बच्चों ने मेरे को मैसेज किए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा जिया सिंह, ये अभी रिसेंटली किसी बच्चे का डाउट था, दी मैंने आपका YouTube पे वीडियो देखा था, मुझे उससे रिगार्डिंग आपसे पूछना था कि क्या मेरे एनसी वेब में एडमिशन हो सकता है, मेरा 2 साल का गैप है, मैंने 2021 में 12th क्लियर की थी, तो वही सेम सिचुएशन यहाँ भी है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं हो सकता, आप ट्राई कर सकते हैं, यू कैन ट्राई, अच्छी बात है, अगर आपकी परसेंटेज मैच कर गई तो हो सकता है आपका एडमिशन, ऐसा कोई वो नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है,
नेक्स्ट है कि एग्ज़ाम्स होते हैं तो वो सैटरडे या संडे होते हैं, वर्किंग डेज पर होते हैं, काजल का है ये। तो एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो आपके ज़रूरी नहीं है कि सैटरडे संडे ही हो, ठीक है, आपके कभी कभी वर्किंग डेज में भी एग्ज़ाम होते हैं। तो अभी रिक्वेस्ट में भी पड़े हैं कुछ मैसेज, ठीक है, तो अभी हम देखते हैं। नेक्स्ट है सेम के एनसी में एडमिशन लेने के बाद क्लासेस कब स्टार्ट होती है कॉलेज में, ये कैसे पता लगता है कि हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा कॉलेज में, ठीक है। तो एनसी में एडमिशन लेने के बाद जो क्लासेस होती हैं वो तो तभी स्टार्ट होती है जब आपका एडमिशन प्रोसीजर पूरा खत्म हो जाता है एनसी में का, देन आपकी क्लासेस जो है स्टार्ट होती है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनसीवेब एंड रिगार्डिंग एजुकेशन, सो फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम, कमेंट डाउन बिलो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज गाइस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आप लोग मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। और जो भी डाउट्स हैं अगर आप कमेंट में नहीं, ज्यादा बड़े बड़े डाउट्स कुछ बच्चे पूछते हैं तो अगर आप कमेंट में नहीं लिखना चाहते तो यू कैन डीएम मी, आप मेरे को इंस्टा पे भी लिख सकते हैं, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑन एंड माई टेलीग्राम। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।